भाई साहब भाई मस्त है आपका प्रोडक्ट, मजा आ गया। ये आदमी पूछने वाला है ऐसे, अगली बार मत दिखाना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अब मैं छत पे टाइमलेस बना रहा था, काफी मस्त टाइमलेस बनाया, तो आपको अभी ये देखो। आप सभी को कैसा लगा ये टाइम लैप्स भाई साहब? मजा आ गया मुझे भाई, लेके पहली बार लिया ये टाइम लैप्स, मतलब इस समय मतलब पहली बार नहीं, अभी पीछे जाकर सुबह सुबह पहाड़ पे एक बार रिकॉर्ड लिया था भाई साहब, काफी मस्त लगा था मूवी और ये काफी मस्त आया। तो अभी भाई साहब ये लोग यहाँ क्या गेम खेलना है, एक दूसरे को बोल रहे हैं नाच बसंती, ये देखो भाई साहब ये भी काफी कॉमेडी करते हैं भाई। यहाँ तो पीछे का मौसम देख के भाई साहब दिल खुश हो गया था, काफी मस्त है भाई, काफी ग्रीनरी भाई साहब, काफी अच्छी कर देते हैं भाई साहब, ऊपर वाले भगवान है भाई साहब, क्या मस्त यार, पूरा ग्रीन ग्रीन देखो यार, पेड़ क्या मस्त तरीके से हिल रहा है जी, वो लग जाएगी भाई साहब। भाई साहब तो आज तो हम बारिश में नहा ही लेते हैं भाई, मम्मी वगैरह कोई नहीं है छत पर, आराम से नहाते हैं। हाँ तुम ही नहा रहे हो? और अब हम जा रहे हैं कौन से को, मैं थोड़ा घूमने बाहर और मौसी जी हमारे साथ जा रही है, तो भाई साहब उधर से मौसी जी को भी छोड़ देंगे और हम अपना घूमने निकल जाएंगे। भाई गाड़ी नहीं ले आ रहा हूँ, गाड़ी इसलिए नहीं ले आ रहा हूँ क्योंकि उसका फ्यूल खत्म होने का भी पता नहीं रहता कब खत्म हो जाए, तो इस चक्कर में उसे नहीं ले आ रहे हैं। भाई के गोबर पर पैर रख के भाई साहब मेरा केक कट गया, मौसी जी को विदा करा सुई सीधा पीछे गोबर और रखा पैर कट गया, मतलब केक चलो धोते हैं। और तो अभी हम जा रहे हैं ग्वालियर के एक सबसे सस्ता बाजार है जो कि संडे के दिन ही लगता है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। मैं और कौशिक दोनों मतलब कोई घूमने की जगह मिल ही नहीं रही थी, मतलब जगह तो है खैर काफ़ी दूर दूर है, तो हमने सोचा यार थोड़ा बाजार ही देखे आते हैं, तो हम दोनों जा रहे हैं, तो आज से सबसे सस्ता बाजार दिखाऊंगा क्या लेगा उसमें से, देखते हैं कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी भाई, देखते हैं कौशिक क्या लेता है सस्ते बाजार में से, कोई अच्छी चीज़ पसंद आए तो वो ले लेगा, बस जितना बोलता है वो तो। भाई अभी हमने 1 किलोमीटर चलवा दिया कौन से को, कैसा लग रहा है 1 किलोमीटर चल के? ऐसा लग रहा है हम तो आसमान में चल रहे हैं, बेकार लग रहा है 1 किलोमीटर। भाई साहब मेरी हिंदी कर देता ब्लॉग में, मेरे बाल भी भाई साहब मैं कैप लेके नहीं आया ना, बड़े बाल हो रहे हैं तो भाई साहब ऐसे उड़ रहे हैं मेरे बाल। तो अभी हम बाजार में तो आ गए हैं और अभी आपको 100 रुपये में 2 चश्मे दिखाता हूँ, मेरे पीछे ही है जस्ट, तो अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो जे है 100 रुपये के 2 चश्मे, तो अभी हम पहन के देखते हैं कौन सा सही लग रहा है। 100 रुपये के तो अभी भाई साहब बाजार में आते आते हम काफी लेट हो गए, अंधेरा हो गया था भाई, चश्मे वगैरह तो चेक कर लिए, काफी फनी लग रहा था चश्मों में, तो भाई मजा वाला की सही सही में चश्मे तो सही थे, बस मतलब थोड़ा वैसा होता है ना लो कॉस्ट वाले में तो अंतर होता है और हाई कॉस्ट वाले में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि पहनने में भी अलग ही प्रीमियम लगते हैं वो हाई कॉस्ट वाले, बट ये काफी सही लग रहे थे। ओ भाई कितना ऊपर चला गया जी, आ गया। कितने का भैया ये? 80 रुपए का। सही से उड़ाना यार, कहाँ चला गया? मैं ऊपर देखने लगा हूँ, वो गया भाई ऊपर गया, वो नीचे आ गया। भाई मस्त है आपका प्रोडक्ट, मजा आ गया। अभी वापस भी आता है हाथ। अच्छा बाकी हवा है ना, इसके लिए नहीं उड़ा। बोलने वाला तोता है जा रहे हैं, बोलो कौन सा वाला है? अरे जी भाई ये भी नहीं बोलता है, तुझे बोलता है भाई, तोतों की अलग अलग वैरायटी मस्त पैरोट है। 15,000 रुपये का है, तो लेना है क्या? मतलब देख नहीं आया था, लेने नहीं आया था। अच्छा पूछने आया था, ये आदमी पूछने वाला है ऐसे, अगली बार मत दिखाना।
भाई हमें दो मस्त छोटे छोटे भाइयों ने रोका, मतलब मैं ब्लॉक कर रहा था उस समय पे, मतलब मुझसे कह रहे भैया आप ब्लॉक कर दो, तो मैंने कि हाँ ब्लॉक कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हमें ब्लॉग में ले लो यार, हम भी थोड़ा बहुत ब्लॉग में दिख जाएंगे, मतलब जिस समय मतलब मैंने कौशिक की बेइज्जती करी थी ना उसी समय इन लोगों ने देख लिया था। तो भाई इसकी पैरट वाले अंकल तुम थे गए अभी पैरट वाले अंकल पे इसकी, अच्छा जब नहीं थे मतलब, तो भाई जब पैरट वाले अंकल के मैंने इसकी काफ़ी तगड़ी वाली बेइज्जती करी थी, तब कैसा लगा था तुम्हें? तो अभी हम बाजार गए हुए थे, वहाँ पे हम मतलब मैं और कौशिक देखने तो काफ़ी कुछ चीज़ें गए थे, बट मतलब ये इलेक्ट्रीशियन है ना, इलेक्ट्रीशियन में काफ़ी ज़्यादा मन लगता है इसका, तो ये कुछ स्पीकर वगैरह दिखने गए थे जैसे साउंड वाले, वजह से वो दिखे नहीं यार, क्योंकि सुबह के समय बिजते हैं वो, शाम के समय तो बिजते नहीं है। फिर हम लौट आए तो अभी हमने इसकी मस्त वाली एक बेइज्जती करी थी, देखी होगी हमने। मॉर्निंग गाइस, तो कल हम रात में काफ़ी लेट आए थे, मतलब कौशिक अपने मतलब चाचा के यहाँ पे चला गया था, तो मैंने उनके यहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया, बट हम रात में आए ना काफ़ी लेट हो गए थे, 10:30 बजे का समय हो गया था, बट अभी हम उठ गए हैं और नहा भी लिए, तो अभी हम जा रहे हैं शिव जी के मंदिर, तो चलो चलते हैं। तो अभी हम शंकर भगवान से मिल के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, अभी काफ़ी भीड़ है ये देखो, मिलते हैं बात। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और अभी मैं वीडियो एडिट करे जा रहा हूँ, मतलब मैं अभी कहीं से आया था जो कि आपको नेट ब्लॉग में पता पड़ जाएगा, बट भाई साहब आंखों में इतनी जलन मच रही है, ऐसा लग रहा है सो जाऊँ, फिर भी मैं मतलब एडिटिंग कर रहा हूँ। तो भाई आए हो आप यार, मैं इतनी मेहनत करूँ तो आप थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना जल्दी, हम मिलते हैं नेट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय बाय।